हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। दिस इज अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स विद बोनस इशू। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सो फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट इज गिवन टू यू। 5000 प्रेफरेंशियल्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, करंट लायबिलिटीज इज गिवन टू यू, फिक्स एसेट दैट इज 30,70,000, इन्वेस्टमेंट द मार्केट वैल्यू दैट इज 2,80,000, वेयर एज द बुक वैल्यू दैट इज 3 लाख, स्टॉक दैट इज 9 लाख, डेटर्स 1 लाख, कैश एट बैंक 1,75,000, कैश इन हैंड 5,000। नाउ इट वाज डिसाइडेड ऑन 30 June 2022 to redeem the preferential shares at a premium of 5%. To finance the redemption, all the investments were realized at market value. That means these investments are realized at 2,80,000. And 10,000 equity shares were issued at 9 per share. That means now in this we have given the number of equity shares that they are going to issue for the purpose of redemption of preferential shares. And company also issued 10,000. Company also issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each. On 1st August 2022, the company made a bonus issue of 1 equity share of 2 equity share. That means the ratio is, that is 1:2 ratio is there. And it was also decided that only minimum reduction should be made in the revenue reserve. Now we need to draft journal entries as well as we need to prepare the balance sheet after redemption of preferential shares and also after bonus issue. Alright. So देखिए क्वेश्चन में से हार्ड इन्फो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. वी जस्ट नीड टू फिगर आउट एंड वी नीड टू फोकस ओनली ऑन दी सम बेसिक पॉइंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट विद दी वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल्स, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल्स, एंड द फेस वैल्यू प्रेफरेंशियल्स 5000 मल्टीप्लाई बाय 100. सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू अमाउंटिंग रुपीज 5 लाख, राइट. एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव स्टेट अवे गिवन दैट इज द नंबर ऑफ shares that they are going to issue. So fresh issue kitna hua, that is 10,000 shares of rupees 9 each, 10,000 shares of rupees 9 each. So the fresh issue amount would be 90,000. So the rest amount would be set up from, that is CRR, that is capital redemption reserve. Here, काफी इजी, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी जर्नल रिजर्व, सॉरी जर्नल एंट्री. सो फर्स्ट एंट्री वुड बी फॉर for due making payment to preference shareholders, that is 10% preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholder, now यहाँ पर आपको कितना है, that is कितने के शेयर से 5000 multiply by 100, right? Premium कितने पे कर रहे हैं, that is 5%. So 5000
मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 5 लाख, यहाँ पर 25,000, टोटल ड्यू अमाउंट कितना होगा, दैट इज 5,25,000। नाउ अब हमें क्या करना है, सी आर आर क्रिएट करना है। सी आर आर के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए, 4,10,000। तो देखिए जर्नलिज्म हमारा कितना है, 7.5 लाख है, प्रॉफिट लॉस में इतना है। अच्छा नीचे हमें गिवन था कि हमें मिनिमम रिडक्शन करना है किससे, रेवेन्यू रिजर्व से करना है हमें, ठीक है। सो दैट मीन्स रेवेन्यू रिजर्व, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दी पी एंड एल। सो इसका मतलब हमें मिनिमम से मिनिमम हमें पी एन लीज करना है। तो हम क्या करते हैं, इतना सारा जनरल रिजर्व पड़ा है हम यहीं से उठा लेते हैं पहले सारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर, दैट्स इट, अमाउंटिंग रुपीज 4,10,000। राइट। नाउ थर्ड एंट्री क्या होगी, दैट इज फॉर फ्रेश इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए पहले कंपनी के पास जो शेयर थे वो कितने रुपए के थे, 10 रुपए के हिसाब से थे। ध्यान से देखिए कंपनी के पास जो पुराने इक्विटी शेयर थे वो 90,000 थे और वो 10 रुपए के हिसाब से थे। अब कंपनी ने नए शेयर 9 रुपए के हिसाब से करें, तो दैट मीन्स कंपनी यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट भी इशू करा होगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। सो बस यहाँ पर कितना रहेगा आपका, 90,000, ये रहेगा 10,000 एंड ये होगा आपका 1 लाख। राइट, देन प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट भी कर देते हैं। वेट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड की थी? हाँ जी, हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है एट मार्केट वैल्यू पे करी हमने, राइट। तो देखिए वैल्यू, वैसे वैल्यू कितनी उसकी, 3 लाख रुपए की थी। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में कितने की रिकॉर्ड की है, 3 लाख की। आए कितने हैं, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,80,000 की। सो दैट मीन्स 20,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। और वो कहाँ से सेटअप होगा, पी एंड एल अकाउंट से, राइट। अब प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। अच्छा वेट, सॉरी, यहाँ पर डिवेंचर्स भी तो इशू किए थे, डिवेंचर भी इशू किए थे यहाँ पर, दैट इज 10,000 डिवेंचर्स और ₹10 जो डिवेंचर भी इशू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, ये कैसे आएगा, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट आपका आ जाएगा 10 लाख। राइट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एस नहीं लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे आप, डिवेंचर एप्लीकेशन, और फिर एंट्री रहेगा कि नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, दैट इज 10 लाख।
बस अब नेक्स्ट एंट्री हम फाइनली प्रेफरेंशियल को पेमेंट कर देंगे। सो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 5,25,000। ये तो हो गया अब तक प्रीमियम रिडेम्पशन वाला, बट अभी कंसेप्ट और बचा है कौन सा, बोनस इशू वाला। तो पहले उसकी हम वर्किंग नोट कर लेते हैं बोनस के लिए। देखिए फॉर बोनस के लिए पहले बताओ ओल्ड शेयर्स कितने थे कंपनी के पास। ओल्ड शेयर्स कंपनी के पास थे 90,000 इक्विटी शेयर्स थे और कंपनी ने 10,000 और जो है कंपनी ने इशू किए थे, राइट। सो पहले थे 90,000 न्यू शेयर्स कंपनी के पास हो गए 10,000 और टोटल हो गए 1,00,000 और रेशियो क्या था 1:2। सो दैट मीन्स कंपनी जो है 50,000 बोनस इशू करने वाली है, राइट। एंड इनकी वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 5,00,000, राइट। तो बोनस इशू है तो ये तो बोनस है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, बट कंपनी के लिए तो ये तो जाएगा कहाँ से, रिजर्व से जाएगा। तो ये कौन से रिजर्व से जाएगा, पहले जाएगा कैपिटल रिजर्व से, फिर जाएगा सिक्योरिटीज प्रिमियम से, फिर जाएगा कैपिटल रिजर्व से, राइट, और फिर जाएगा अदर फ्री रिजर्व से, राइट। तो एंट्री देखो क्या देखिए, यहाँ पर अमाउंट कितना लगाना है टू बोनस इशू करते हैं, यहाँ पर हम अमाउंट टोटल अमाउंट कितना लाना है 5,00,000 का लाना है। 5,00,000 कहाँ से आएगा, पहले आएगा सीआरआर से। सीआरआर अभी हमने क्रिएट करके कितना 4,10,000 का हमने क्रिएट करा था। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से देखिए कंपनी के पास पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 1,00,000 का था, 1,00,000 का था। कंपनी को इतना रिडीम भी करना है और कंपनी के पास और कोई आया भी नहीं है, तो 1,00,000 में से 25,000 निकल गए तो कितने थे 75,000। तो 75,000 तो कंपनी यहाँ से ले भी सकती है, 75,000 कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकती है। इसके बाद कंपनी के पास और कौन सा रिजर्व है, इसके बाद कंपनी के पास है पीएनएल भी है बट कंपनी को जनरल रिजर्व अच्छा खासा पड़ा तो जनरल रिजर्व से लेते हैं। तो रेस्ट हम बैलेंस फिगर जनरल रिजर्व से लेंगे, दैट इज अमाउंट इन रुपीज 15,000, राइट। देन बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 5,00,000। एक एंट्री और आएगी हमारी, मेरी मिस्टेक होगी, हमने प्रीमियम रिडेम्पशन को राइट ऑफ नहीं करा अभी हमने, सो कहाँ से करेंगे वो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अमाउंट इन रुपीज 25,000। राइट, सो जनरेटरी हमारी होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट देखिए, अब आप पहले नोट्स का अकाउंट देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए, स्टार्टिंग में पहले हमारे पास से 90,000 के हिसाब से,
और फिर हमने न्यू इशू करे 10,000 के, और फिर 5 लाख के हमने क्या करा, बोनस इशू। टोटल हो गई है 14,90,000। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर से टोटल 5 लाख के थे, रिडीम कर दिए सारे सारे 5 लाख, तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं बचा। इसके बाद कंपनी ने 12% डिबेंचर इशू करे हैं 10 लाख के, टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट हो गया 24,90,000। इसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इनिशियली कितना तक है, कितना हमने एक 10,000। इसके बाद हमने उसको जो बोनस इशू के लिए हमने यूज़ कर लिया था पूरा 4,10,000, तो अमाउंट बचा CRR नील। सिक्योरिटी फिर में इनिशियली अमाउंट था कितना, 1,25,000 हमने प्रीमियम हम रिडम्पशन के लिए सेटअप यूज़ कर लिया। इसके बाद बोनस इशू के लिए 70,000 रिमेनिंग अमाउंट हमने सेटअप कर लिया और अमाउंट बचा नील। सरप्लस देखिए, इनिशियल अमाउंट कितना था 2 लाख का, 20,000 रुपये का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे, तो अमाउंट कितना बचा इन हैंड 1,80,000। जनरल रिजर्व में इनिशियल अमाउंट कितना था 7.5 लाख का, जिसमें से 4,10,000 हमने CRR के यूज़ कर लिया और 15,000 हमने बोनस इशू के लिए यूज़ कर लिया, तो इन हैंड कितना बचा 3,25,000। टोटल हो गया ये 5,05,000 रिजर्व सरप्लस का टोटल अमाउंट। करंट लाइबिलिटी तो वैसे की वैसे ही 4 लाख रुपये की है। टेंजिबल एसेट टोटल है 13,70,000 की, इसके हमने कोई चेंज नहीं करा। करंट एसेट देखिए, स्टॉक में कितना था 9 लाख रुपये, वैसे का वैसे ही है। डेटर 1 लाख के हैं। इन्वेस्टमेंट जितनी थी हमने सारे सोल्ड कर दी थी, तो टोटल टोटल करंट एसेट होगी 10 लाख रुपये की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर मैंने बैंक और कैश को दोनों को इक्वल दोनों को मिलाकर कर दिया मैंने। टोटल अमाउंट इनिशियली था 1,80,000 का, 90,000 हमारे पास जो है न्यू इशू कर न्यू इशू शेयर से आए, 2,80,000 हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड की थी, 10 लाख के हमने जो डिबेंचर से पैसे आए थे, और 5,25,000 हमारे जो हैं बोनस 5,25,000 हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करी है। तो टोटल कैश इन कैश कितना हुआ 10,25,000। अब सबका टोटल मैंने लिख दिया, आपका बैलेंस हो गया दैट इज 33,95,000। राइट, दिस इज दी बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर